बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तगफिरु व ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरमा अजीजा पर्दा नशीन माएँ और बहनें अल्लाह जल्ल जलालुहु आमन वालों का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके इख्तियार में है। अशरफुल मखलूकात बनाकर मकसद ज़िंदगी को वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला ने कि हमने अपने बंदों को यानी इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी बंदगी के लिए बनाया। जलालैन शरीफ बहुत बड़ी किताब है, कुरान करीम की तफसीर है। साहिब जलालैन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लियाबुदून से मुराद लियारिफून है। बंदगी इसलिए करवाना अल्लाह ताला चाहते हैं ताकि बंदों को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जावे, अल्लाह मिल जावे। जावे
मैंने आप माँ बहनों के सामने कुरान करीम की पहली आयत पढ़ी, ضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ। मैं एक बेहतरीन मजमून की तरफ चलना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला मिसाल देते हैं, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ। कि मोमिनीन के लिए हम मिसाल के तौर पर फिरौन की बीवी का किस्सा बयान करते हैं। एक ऐसे घराने की औरत जिसके घर के अंदर सरासर नाफरमानी का माहौल बना हुआ है, ऐसे घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तौहीद व ईमान का एक गुल खिलाता है और वो फूल ऐसा खिलता है कि कयामत तक आने वाली हमारी माँ बहनों के लिए एक नमूना इबरत और मिसाली किस्सा बन जाता है। फिरौन, उसका जुल्म दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर था। नाफरमानी की सारी हुदूद को फिरौन पार कर चुका था। यहां तक कि उससे बड़ा सरकश, उससे बड़ा नाफरमान अल्लाह ताला का कोई नहीं गुजरा, इसलिए कि उसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया और लोगों को अपने सामने सजदा करवाया। उसी फिरौन के घर के अंदर जो अल्लाह का मुनकिर था, अल्लाह का नाफरमान था, उसी फिरौन के घर के अंदर, उसके घर के बेडरूम के अंदर, मखसूस कमरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान की शुआओं को रोशन कर देता है। जहां तक ईमान छुपता है, छुपा रहता है, लेकिन जब उसके इजहार की बारी आती है तो फिरौन को जब पता चलता है कि मेरे मखसूस कमरे के अंदर मूसा को मानने वाली पैदा हो गई है, तो उसको समझाया जाता है, नहीं मानते हैं। हज़रत आसिया इमरात फिरौन, फिरौन की बीवी हज़रत आसिया, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, नहीं मानता है, तो तरह तरह की तकलीफें देते हैं। हज़रत आसिया तकलीफों में अपने दिन रात गुजारती है। एक मरतबा जब उसने ये तय कर लिया, जल्लादों को बुलाया कि अब ये बाज ना आवे और अपनी बात का इनकार न करे, अपनी बात से रोगर्दानी न करे, तो इसकी जिंदा बॉडी के अंदर, जिंदा जिस्म के अंदर लोहे की कीले, जिसको हम चूक बोलते हैं, उसको ठुकवा दें। जल्लादों को बुलाया गया, उनका आखिरी पैगाम सुनाया गया। ये वाकया पेश आवे कि उनके बदन के अंदर मैखें और चूंकें गाड़ी जावे, उससे पहले हजरत आसिया कमरे में बंद हैं और वो अपने अल्लाह से मुनाजात कर रही है। فَرْمَا إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की, रब्बुल आलमीन अब मेरे मर्दाश से बाहर हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि इनकी तकलीफों को सामने देखते हुए मेरा ईमान डगमगा जावे। रब्बुल आलमीन जब ये मुझे सजा देने पर आवे, उससे पहले मेरी रूह को कब्ज फरमा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह कब्ज फरमा ली। अब जब वो मैखें गाड़ने के लिए आए, उनके बदन के अंदर कीलें ठोकने के लिए आए, तो उनके बदन से तो रूह परवाज कर चुकी थी, तो उनकी तकलीफों का एहसास उन्हें होने वाला नहीं था। लेकिन इसका इनाम जो इन्होंने सब्र के साथ जिंदगी गुजारी, तकलीफों को बर्दाश्त किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूह से बिल मुशाफा बात की अल्लाह तआला से,
कि तुम्हारी इन तकलीफों पर सब्र करने की वजह से हमने तुम्हारे लिए बदला ये तय किया है कि दुनिया की सबसे बदतरीन मर्द की आप बीवी बनकर रही हो, अब हम आपको जन्नत के अंदर दुनिया के सबसे आला और बेहतरीन मर्द की बीवी बनाएंगे। जानती हैं आप माँ बहने वो कौन है? वो मर्द वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ादे गिरामी है। मेराज के सफर से जब वापस आ रहे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा से आकर कहा, मैं तुम्हारी सौतन से मिल के आ रहा हूँ जन्नत के अंदर। अम्मा खदीजा कहती है, मेरी सौतन कौन हो सकती है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत सुनाई थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जन्नत के अंदर आपके साथ इनका निकाह होने वाला है। एक ही हजरत आसिया है, एक हजरत मरियम है। तो हजरत आसिया के बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा को बात सुनाई। तो बहरहाल हजरत आसिया की तकलीफों और मशक्क़तों के बर्दाश्त करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम मिला कि जन्नत के अंदर अपने पड़ोस में अल्लाह ताला ने मकाम अदा फरमाया। इद कालत रब्बि इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना। हमारे तो बड़े से बड़ा वली भी ये दुआ नहीं कर सकता जो उस औरत ने दुआ की कि अल्लाह आपके पड़ोस में मेरा घर बना दीजिए जन्नत के अंदर, और दुआ ये मांग ली वनजिनी मिन फिरौन व अमलिही वनजिनी मिन अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन। वो जो कीले ठोकने वाले थे, तो चूंकि जिंदा जिस्म के अंदर लोहे की कील चुभ जावे, हमें सुई का नाका थोड़ा सा चुभ जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो बाकायदा बड़ी बड़ी मैखें ठोकने वाले थे बदन के अंदर, जिंदा जिस्म के अंदर कितनी तकलीफों से गुजरने वाली थी। इसलिए अम्मा खदीजा ने कहा, अम्मा आसिया ने फरमाया, वनजिनी मिन फिरौन व अमलिही वनजिनी मिन अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन। फिरौन और उसके अमले से निजात दे दीजिए और जालिम कौम से निजात दे दीजिए। एक नमूना इबरत है हमारे लिए कि जान हाथ से जावे तो जावे, लेकिन ईमान हाथ से नहीं जाना चाहिए, साबित कदमी रहनी चाहिए ईमान पर। ईमान पर साबित कदमी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतने बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात अता फरमाए। बंदगी का माहौल बनाना चाहिए घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर बंदगी की फिजा नहीं होती है। हमारे घर के अंदर सब कुछ होता है, हमारे घर के अंदर मशवरे का कमरा मीटिंग रूम होता है, हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आवे तो उनका कमरा अलग होता है, हमारे घरों के अंदर हमारे सोने के कमरे अलग होते हैं, हमारे घरों के अंदर खाना पकाने की जगह अलग होती है। नहीं होती तो अल्लाह की बंदगी की कोई जगह नहीं होती हमारे घरों में। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का ये बहुत बड़ा मिसाली, यानी सहाबे किराम की जिंदगी का मिसाली वाकियत होते थे कि जब भी कोई सहाबी अपने मकान को तामीर फरमाते थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाते थे और दो रकात पढ़वाते थे अपने घर के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दो रकात पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लेते थे। आप मांग कर जब रुखसत होते थे, वो सहाबी अपने घर की मस्तूरात के सामने ऐलान करते थे, आज से हमारे घर की ये मस्जिद रहेगी। यानी घर की तमाम मस्तूरात जो है वो इसी जगह पर अपनी बंदगी किया करे अल्लाह की। हमारे घरों में भी एक मखसूस जगह ऐसी बननी चाहिए कि अल्लाह की बंदगी के लिए मुसल्ला, कुरान करीम और जिक्र अजकार की जो मसनून किताबें हैं, मसनून दुआओं की जो किताबें हैं वो रहनी चाहिए, तालीम की किताबें उस जगह पर रहनी चाहिए। घरों में ये माहौल बनेगा, नूरानी फिजा बनेगी, नूरानी माहौल बनेगा, हिदायत की फिजाएं वजूद में आएगी और अल्लाह तबारक व ताला नमूने के तौर पर आप माँ बहनों का एक हिस्सा लगा देंगे नमूने के तौर पर। लेकिन मसला यहां अटका हुआ है कि हमने जो दीन इख्तियार कर रखा है वो दीन हमारी मनपसंद का दीन हम अपनाते हैं,
हमारी मर्जी में जो आता है वो दीन हम अपनाते हैं, हालांकि हमें तो पाबंद उसका बनाया गया है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत लेकर आए थे, उस शरीयत का हमें पाबंद बनाया गया है। दीन के माना है बदले के आते हैं, दीन के माना हम अगर अच्छा दीन इख्तियार करेंगे अल्लाह तबारक व ताला अच्छा बदला अता फरमाएंगे। और अगर हम बुरा दीन इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बुरा बदला अता बुरा बदला मिलेगा। इसलिए अजीजा माँ बहने जिंदगियों के अंदर सही रुख को अपनाने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों को सही रुख पर डालें, सही तरतीब पर चलावें अपने आप को, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐसी नेमतें मिलने वाली हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया के अंदर रहते हुए रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में अपने मन की जिंदगी अता फरमाएंगे, मन चाहे जिंदगी मिलेगी। रब चाहे जिंदगी में अपने इरादों को, अपनी जो तमन्नाएं होती हैं उसको मारना होता है, अपनी तमन्नाओं को मारना पड़ता है। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है हमारा दिल किसी चीज के करने को चाहता है लेकिन उसके करने की शरीयत में गुंजाइश नहीं होती, मेरा अल्लाह ना कह रहा है, मेरे नबी के वास्ते से हमको मना किया गया है, हम नहीं करेंगे, ये दीन है, यही शरीयत है हमारी। और यही दो चीजें हमें दी गई हैं कि इन दो चीजों की रहबरी में चलते रहोगे तो कभी भी राह रास्ते से नहीं हट सकते, सीधे रास्ते से जिंदगी नहीं हट सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, आपका आखिरी हज है, हज्जतुल वदा के मौके पर आपने अपने खुतबे के आखिरी अल्फाज जो फरमाए हैं, इन्नी तरक्तु फीकुम शैईन इन्नी अतसंतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ और अगर उनको मजबूती से थामे रखोगे तो मेरे बाद कभी भी फितनों में मुबतला नहीं होंगे, कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। और वो दो चीजें एक कुरान है और एक मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। इन दो चीजों का पाबंद बनने को कहा है हमें और यही दो चीजें हमारी असल रहबर हैं। इन्हीं दो चीजों में हमारी सही रहबरी है, वरना मगरिबी तहजीब के पीछे अगर हम पड़ जाते हैं तो उसमें तो रहबरी नहीं होती बल्कि गुमराही है, उसमें हमारी रहबरी के बजाय गुमराही है हमारी छुपी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का दामन पकड़ने को कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा करने को कहा, मगरिबी तहजीब ने कहा उसके खिलाफ उन पर डाल दो। और हया के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि बचपन से हमें हया को खत्म करने का उन्होंने, हमारी हया को उन्होंने खत्म करना शुरू किया। उन्हें पता है कि बड़ी माँ बहनें जो हैं वो तो पर्दा करेंगी ही क्योंकि उन्हें तो बचपन से आदत है पर्दा करने की, लेकिन छोटे बच्चों के जो लिबास होते हैं तैयार जो दुकानों में मिल जाते हैं तो वो तो छोटा है, अभी बालिग नहीं हुआ है, अभी उसको मुकल्लफ नहीं किया है, चलो पहना दो कोई बात नहीं। ऐसे हया के किरदार को मारने के लिए उन्होंने साजिश रची और बचपन से बच्चों को नंगा कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया। वही बच्चा वही बच्ची जब बचपन से ऐसे कपड़े पहनने के आदि हैं, जब थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे तो फिर मार्केट में उस लाइन के कपड़े उन्होंने लाकर खड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें पहले से ऐसे कपड़े पहनने की आदत है इसलिए वो ये कपड़े पहनना पसंद करेंगे, फिर उन्हें इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगेगा। और होते होते वही लड़के और लड़कियां, वही बच्चे और बच्चियां जब जवान होती हैं तो उनके हया को मारने के लिए ऐसा बेहया लिबास मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया कि अल अमान वल हफीज अल्लाह की पनाह।
इन्होंने हमारे इस्लाम को, हमारी शरीयत को मारने के लिए इन्होंने दुनिया को बदल दिया। हमारी हया को मारने के लिए, हमारे पर्दे को खत्म करने के लिए दुनिया को बदल के तौर पर पेश किया कि ये तुम्हारी दुनिया है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसको अपनाओ, उसी में तुम्हारी कामयाबी है। मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न लिबास, और इस्लामी लिबास की जो तहजीबी तौर पर जो पर्दा था, जो हया थी, उसको खत्म कर दिया और बेपर्दगी का नमूना बना दिया। और इतना खतरनाक इस्तेमाल किया कि हमारी माँ बहनों को और हमारी बच्चियों को, उनकी इज्जतों को नीलाम करके रख दिया और बाजारी बना दिया उन्हें। हाँ, उनकी इफ्फतों को तार तार कर दिया, बेपर्दगी के उन्वान से। और ऐसे महज़ब तरीके से उन लोगों ने आजादी निस्वा के उन्वान से कि औरतों को इस्लाम ने बुरके के अंदर जकड़ रखा है, औरतों को पर्दे के नाम पर कैद में कर रखा है, ऐसी बकवास और बेहुदा बातें करते हुए उन लोगों ने हमारी औरतों के अंदर बेबाकी लाकर रख दी। हालांकि मिसाल के तौर पर ये जैसे सोना वगैरह चीजें होती हैं, उसे छुपा कर रखा जाता है। अल्लाह ताला ने आप माँ बहनों की इज्जतों को और आपकी इस्मतों को उन सोने से कई गुना ज्यादा आला बनाया है। पर्दे में रखकर आपकी इज्जत को इस्लाम ने बढ़ा दिया है। पर्दे में रखकर और बाहया बनाकर इस्लाम ने आपकी वक़्त को बढ़ा दिया है, आपकी अजमत को बढ़ा दिया है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब कासियातिन आरियातिन मा इलातिन मुंह मिलातिन ला यजिदन रायहतल जन्ना, कि बहुत सी औरतें हमारी ऐसी हैं जिनके बदन पर लिबास तो होता है लेकिन लगता नहीं है कि उनके बदन पर लिबास है। बावजूद लिबास होते हुए उनके बदन के हिस्सों का यानी आजा व जवाड़े नजर आते हैं, क्योंकि दुनिया ने उन्हें बारीक से बारीक लिबास पहना दिया, दुनिया ने उन्हें तंग से तंग चुस्त लिबास पहना दिया, दुनिया ने उन्हें छोटा लिबास पहना दिया। हालांकि शरीयत ने जो बुरका और जो लिबास पहना है, बसावकात कपड़े अंदर से अच्छे यानी जो ऊपर बुरका पहना हुआ होता है वो इतना खतरनाक किस्म का होता है, फैशनेबल और डिजाइन वाला, कि अंदर के कपड़े उससे अंदर के कपड़ों से तो कई गुना ज्यादा वो फैशनेबल होता है, अंदर के कपड़े उससे बेहतर तो सादा होते हैं। कपड़ों की सादगी को बुरकों ने मार दिया। फिर हालांकि शरीयत ने जो बुरका कहा है वो ये बुरका पहनने को कहा है, वो पर्दा करने को कहा है कि एक अच्छी खासी जवान लड़की भी 60 साल की बूढ़ी महसूस होने लगे, ऐसा बुरका, ताकि किसी गैर महरम मर्द की नजर उस औरत पर पड़े ही नहीं, ऐसा बुरका करने को कहा है। मैं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं उन्हें जन्नत की बू तक महसूस नहीं होंगी। हदीस पाक का खुलासा है कि जन्नत की बू 500 साल तक अरबी घोड़े को दौड़ाया जावे उतने दूर तक आएगी, उतने दूर तक। आप सोचे कितना दूर कर दिया जाएगा जन्नत से, इतना दूर कर दिया जाएगा जन्नत से। जन्नत की बू भी नहीं मिलेगी हमें, जन्नत तो दरकिनार। और फरमाया बाहया बनकर, बापर्दा बनकर, एक नेक औरत बनकर दुनिया से ईमान वाली औरत रुखसत होती है, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के जन्नत की हूर से 70 गुना हुस्न में इजाफा फरमा देंगे उसका। हाँ, जन्नत में अल्लाह की तरफ से ये नेमत मिलने वाली है पर्दे के ऊपर।
70 गुना हुस्न में इजाफा कर दिया जाएगा। हूर की जो सिफात बयान होती है उसमें लिखा है, हादिस में आता है कि वो जब पानी पिएगी, हूर जब पानी पिएगी तो उसके हलक से वो पानी उतरने वाला नजर आएगा। आप माँ बहने सोच सकती है जिस हूर की खूबसूरती का ये आलम है उस हूर से 70 गुना हुस्न में खूबसूरती में इजाफा करके इस मोमिन औरत को बनाया जाएगा तो उसका क्या आलम होगा हुस्न का। इसे दुनिया की जिंदगी तो अधूरी जिंदगी है, ये तो धोखे वाली जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है। हम इतना भरोसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे प्लान और प्रोग्राम बना लेते हैं और ये जिंदगी हमारा साथ छोड़कर चली जाती है। जो थोड़ी बहुत जिंदगी मिलती है उसमें रब्बुल आलमीन की इताअत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, बजाय उसके हम उसकी नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजार देते हैं। तो एक ये पर्दे की चीज है। दूसरी बात जो है वो तरबियत की बात आती है। हम बचपन से अपने औलाद की तरबियत के सिलसिले में ऐसा कामयाब किरदार अदा करें कि वो औलाद हमारे लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए नमूना बन जावे। औलाद की तरबियत में ऐसा किरदार अदा करें। हमारी माँ बहनों की जब तमन्नाएं नेक बन जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को अल्लाह के वली देते हैं। मोमिन औरतों की तमन्नाएं जब नेक बन जाती हैं तो पहले के जमाने में उम्मत को नबी मिला करते थे। अब चूंकि नबियों का सिलसिला रुक गया है तो कम से कम दर्जे में अल्लाह के वली तो मिल ही सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारी माँ बहनों की तमन्नाएं पाक होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए, दिल के इरादे पाक होने चाहिए, दिल की तमन्नाएं पाक होनी चाहिए। हमारा हाल उल्टा हो गया है कि जहां बच्चा अभी तो पैदा नहीं हुआ उससे पहले उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग शुरू होती है कि ये होगा, वो होगा, फुला होगा, ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे, ऐसे बेहुदा किस्म के नाम रखे जाते हैं। नामों का एक असर जिंदगी पर पड़ता है। पहले हमारी बिरादरी के अंदर हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नाम हुआ करते थे, इसलिए आम तौर से घरों के अंदर मूसा, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल ऐसे नाम हुआ करते थे। फिर सहाबा इकराम के वाकयात सुनाए गए तो अंबिया से फिर सहाबा और सहाबियात के नाम रखने शुरू हुए। लेकिन जहां तालीम के किस्से छूटे, फजाइल की तालीम छूट गई घरों के अंदर और साहबा और साहबियात के वाकया सुनने बंद कर दिए हमने, नतीजा ये हुआ कि हम मॉडर्न और फैशनेबल नाम रखने लगे जिसका कोई माना नहीं। और सुबह शाम की जिंदगी में जिन मॉडर्न लोगों को हमने अपना आइडियल बना लिया है उन लोगों के नामों के ऊपर रखते हैं। अब जैसा नाम होगा जिनकी उस पर नाम रखते हैं हम, जिसको आइडियल बनाकर नाम रखते हैं, चूंकि उनके किरदार भी वैसे होते हैं तो उनके नामों के असरात भी वैसे ही पड़ेंगे जिंदगी के अंदर। फिर वो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले वो बच्चे नहीं बनते, वो लोगों को राहत पहुंचाने वाले नहीं बनते, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले और परेशान करने वाली औलादे बनती है। किसी जमाने में माओ की तमन्नाएं नेक होती थी, माओ के इरादे नेक होते थे। अल्लाह तबारक तआला ने वक्त के कुतुब अब्दाल दिए उम्मत को। किताबों में एक किस्सा लिखा है कि एक औरत थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया। वो औरत भी बड़ी नेक थी और उनके शौहर भी बड़े नेक थे। उनके शौहर की तमन्ना थी कि उनका बच्चा दीनी इल्म पढ़े, दीनी इल्म हासिल करे, अल्लाह का वली बने, अल्लाह के यहाँ उसका एक रुतबा हो, मकाम हो। बीवी हमल से थी और बाप का इंतकाल हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ को उसकी दीनी तरबियत की फिक्र लाही हुई
कि मेरे शौहर की एक सोच थी, एक तमन्ना थी और मेरे दिल के इरादे हैं, लाओ मैं उस पर चल पड़ूं। उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत का काम शुरू किया। शुरू में तो दीनी तालीम अपने घर पर वगैरह दिलवाई, लेकिन बच्चा जहाँ थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मशवरे करना शुरू किए। तो उनके घर वाले जो थे खानदान वाले, उन्होंने कहा बच्चा बड़ा जहीन है, उन्हें अंग्रेजी तालीम दिलवाई जाए। लेकिन माँ के दिल में चूंकि दीनी तालीम का एक यानी उन्होंने सोच लिया था कि अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाएंगे, चुनांचे उन्होंने तहकीक की कि मेरे बच्चे को अल्लाह का वली बनाना है, कैसे बना सकती हूँ मैं। तो किसी ने उनसे कहा कि फुला जगह पर एक अल्लाह के वली रहते हैं, एक आलिम रहते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं, उनकी खिदमत में दे दो, उनके पास ही अल्लाह का वली बन जाएगा। चुनांचे वो औरत गई अपने बच्चे को लेकर और उन मौली साहब से कहा कि मैं इसके अंदर विलायत का मर्तबा देखना चाहती हूँ, आप मुझसे वादा करें जब तक ये वली नहीं बन जाएगा तब तक मैं उसको घर वापस नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। चुनांचे उस्ताद ने वादा कर लिया, माँ की तरफ थी और उन्होंने अपने शोहर के नेक इरादे और नेक तमन्नाएं भी रखी थी उनके सामने कि उनके ये इरादे थे, उनकी नेक तमन्नाएं थी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा विलायत के मकाम तक तो जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत दिन हो गए, काफी मुद्दत हो गई, तो बच्चे ने अपनी माँ की तलब पैदा हुई। छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, बच्चे के दिल में माँ की तलब पैदा हुई कि माँ को बहुत दिनों से देखा नहीं है, लाओ अपनी माँ का दीदार करूँ। वो उस्ताद जी के पास गया, उस्ताद जी मैं अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे उसके दुलार की बातें याद आ रही है, उसकी रात की लोड़ियाँ याद आती है, मुझे उसके हाथ का खाना पकाना पकाया हुआ खाना याद आ रहा है और उसकी मोहब्बत भरी बातें याद आ रही है, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, एक मरतबा दीदार करके वापस आ जाऊंगा। उस्ताद जी ने जो के वादा किया था वो अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह अगर मैं इस बच्चे को भेज देता हूँ तो एक वादा टूट रहा है, और नहीं भेजता हूँ तो बच्चे का दिल टूट रहा है, अल्लाह मेरे दिल में कोई बात डाल दीजिए। चुनांचे वो उस्ताद जी के दिल में अल्लाह तआला ने ये बात डाल दी कि आप इनको सबक ज्यादा दे दीजिए। चुनांचे उन्होंने बुलाया और सबक ज्यादा दे दिया, इतना सबक दे दिया जो आम तौर से उस्ताद सबक नहीं दिया करते थे, और कहा कि रात भर याद करके सुबह सुना दोगे जल्दी ये सबक, मैं आपको आपके अम्मी के पास भेज दूंगा। वो बच्चा गया, रात को अपने रहल के ऊपर कुरान को रखा और अपनी किताबों को रखा, अपने अल्लाह से कहने लगा, दोनों हाथ मासूम हाथ उठाए उसने और अपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह ए प्यारे अल्लाह आपकी कुदरत में है सब कुछ करना, मैं जानता हूं कि उस्ताद ने इतना सबक क्यों दिया है, आमतौर से वो इतना सबक नहीं देते हैं याद करने के लिए, अल्लाह मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपकी कुदरत के बगैर और आपके इरादों के बगैर मैं ये सबक याद नहीं कर सकता, मुझे पता है ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये मैंने किताबें और कुरान जो है मेरे असबाक हैं वो सारे आपके सामने रखे हैं, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे सब कुछ याद हो जाए। अल्लाह के सामने गिर गिराया वो बच्चा, रोया, फौरन सारी चीजें याद हो गई, सुबह को अपने उस्ताद को सुना दी, बियाई नहीं बगैर किसी गलती के एक एक लफ्ज को सुना दिया। अब वो उस्ताद कह रहे हैं कि अल्लाह अब मैं इस बच्चे के दिल को नहीं टूटने दे सकता हूँ, वो वादा टूट जाए तो मैं तोबा कर लूंगा, लेकिन इस बच्चे को मुझे भेजना ही पड़ेगा। वो बच्चा इजाजत लेकर दौड़ता, भागता, खेलता, कूदता, अपने रास्ते भर घर के रास्ते में जो कूदे कूदे जा रहा था तो अपने दिल के अंदर उमंगे थी, अम्मी से जाकर लिपटूंगा, अम्मी से जाकर बातें करूंगा और प्यार की बातें करूंगा, अब्बू तो थे नहीं, यतीम बच्चा था। वो जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसने बहुत उमंग के साथ दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो माँ की आवाज आई, कौन? माँ भी एक अल्लाह की ऐसी लाडली बंदी थी, उसने दस्तक से ही समझ लिया कि ये मेरे बच्चे की दस्तक है। पूछा, कौन? जरा सख्त लहजे में कहा, कौन? तो कहा, अम्मा मैं बायजीद हूँ, अम्मी अम्मी जान खोले दरवाजे को, मैं आपके दीदार के लिए तड़प रहा हूँ, आपको देखने के लिए तड़प रहा हूँ, आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा हूँ, कई दिनों से मैं आपकी आवाज नहीं सुना, आपको देखा नहीं, मैं अपने उस्ताद से इजाजत लेके आया हूँ, अम्मी जान दरवाजा खोल दीजिए। अब जरा अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और उस माँ की जवाब उस माँ का जवाब सुनिए अपने बच्चे के लिए। उस माँ ने अंदर से सख्त लहजे में कहा, कौन बायजीद?
मैं किसी बायजीद को नहीं पहचानती, मेरा बायजीद तो अपने उस्ताद के पास गया है, वो तो उस वक्त तक वापस नहीं आ सकता जब तक कि वो विलायत के मकाम तक न पहुंच जावे। सलाम हो उस माँ को और सलाम हो उस बच्चे को, सलाम हो उस माँ के ऊपर जिसने अपने कलेजे के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और कहा कि मैं उस वक्त तक उसका चेहरा नहीं देखूंगी जब तक कि अल्लाह का वली न बन जावे। वो लड़का फिर वापस होने लगा अपने, वो समझ गया कि मेरी माँ क्या चाहती है। वो गया और जाने के बाद अपने उस्ताद की खिदमत में रहा। 16 साल तक अपने घर वापस नहीं लौटा। 16 साल तक अपने घर वापस नहीं लौटा। उस्ताद जी कहते हैं कि एक मर्तबा सोया हुआ था ख्वाब में, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर फरमाया कि वो जो फुला नौजवान आपकी खिदमत में है, चूंकि अब वो नौजवान हो चुके थे, वो जो फुला नौजवान आपकी खिदमत में है उन्हें विलायत कुबरा मिल चुकी है। विलायत कुबरा में बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ा मकाम है अल्लाह ताला की तरफ से। कहा उन्हें विलायत कुबरा मिल चुकी है, अब उन्हें उनकी माँ के पास भेज दीजिए। सुबह जब उठे तो उस नौजवान को बुलाया कि बेटा अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जिस मकसद के लिए आपकी अम्मा ने भेजा था आपको यहाँ पर, अल्लाह ताला ने उस मकसद में आपको कामयाब कर दिया और वो चीज अता फरमा दी जो आपकी वालिदा के दिल की तमन्नाएं थी, आपके वालिद के दिल की तमन्नाएं थी, वो नेक तमन्नाओं पर आप खड़े उतरे हैं, अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया है। चुनांचे जब वो अपने घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, माँ फौरन दरवाजा खोल दिए। माँ भी अल्लाह की बंदी थी, वो पहुंची हुई थी, इस मर्तबा उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही कहा बेटा रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना तुझे खिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक अमल करना चाहती हूँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया है पहले 2 रकात पढ़ के उसका शुक्र अदा कर लूं। चुनांचे वो सजदे में गिरी और इतनी रोई कि या अल्लाह मेरे जीने का मकसद जो था वो ये था कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारा आपका वली बना दूं, आपकी विलायत उसे हासिल हो जावे। मेरे जीने का मकसद ये था, बस अब उसे आपकी विलायत मिल चुकी है तो मेरे दुनिया में रहने का मकसद भी पूरा हो चुका है। अब आप अगर मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए, मैं अपनी जिंदगी अब कुर्बान करती हूं। ये उस माँ की नेक तमन्नाएं थी जिसने इस उम्मत को बायजीद बस्तामी जैसा अल्लाह का वली दिया है। ऐसे ही एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। वो भी अपनी माँ की तरबियत से बने हैं। माँ ने बचपन से ही सिखाया था कि बेटे घर में जो कुछ आता है रिस्क वगैरह वो अल्लाह की तरफ से आता है, अगर रोटी खानी है तो अल्लाह से मांगो, खाना खाना है अल्लाह से मांगो, पानी पीना है अल्लाह से मांगो, अपने हर अमल को अल्लाह के नाम से शुरू करो, अपने अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपकी तमाम हाजतों को और जरूरतों को पूरा करेगा। उस माँ के मैं मुख्तसरन चलता हूँ, माँ की तरबियत इतनी आला थी कि बच्चा जब मदरसे से फारिग होकर आता था घर में अपने बैग वगैरह को रखकर फौरन वजू करके 2 रकात के लिए मुसल्ला बिछाता, 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़ता, अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाता, प्यारे अल्लाह मैं छोटा सा मुन्ना हूँ, मुझे भूख लगी है, सुबह से शाम तक मैं मदरसे में था, अब मुझे भूख लगी है और भूख बर्दाश्त नहीं होती। माँ बच्चे को दुआओं में मशगूल करके जल्दी से उसकी रोटी तैयार करके उसके सामने रख देती ताकचे के अंदर, बेटा तलाश करो कुतुबुद्दीन, बेटा कुतुबुद्दीन तलाश करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क भेजा है, रोटी भेजी है। वो तलाश करते हैं, ताकचे के अंदर रखी हुई रोटी मिल जाती है, कहा मेरे अल्लाह ने रोटी भेजी है। एक बार जब माँ कहीं अपने रिश्तेदारों के अंदर कोई प्रोग्राम था उसमें चल पड़ी और
आने में थोड़ी देर हो गई, मदरसे से बच्चा आ गया, उसने अपने जो उसका प्रोग्राम होता था रोजाना का, ये घर पर पहुंचते ही सीधे बैग रख कर वजू करके दो रकात के लिए मुसल्ला बिछा कर दो रकात पढ़ने के बाद अपने अल्लाह से गिरगिरा कर मांगना है। उसने मांगा, या अल्लाह आप मेरे लिए रोजाना रोटी का इंतजाम करते हैं, आज अम्मी घर पर नहीं है, आज भी कर दीजिए मेरे लिए रोटी का इंतजाम। चुनांचे जैसे ही उन्होंने दुआ खत्म की, ताकचे पर हाथ फिराया तो वहां रोटी रखी हुई मिली, उन्होंने खा लिया। उधर माँ परेशान है, दिल ही दिल में दुआएं कर रही है, बच्चे के आने का वक्त हो गया है, या अल्लाह आज मेरी इज्जत की लाज रख लेना, मैंने इतनी मेहनत से अपने बच्चे को ये समझाया है कि जो कुछ करते हैं अल्लाह ही करते हैं, रिस्क भी अल्लाह देते हैं, सब कुछ अल्लाह करते हैं, बंदों के अंदर किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, मैंने इतनी मेहनत से उसको समझाया है कि आप ही करने वाले हैं, अगर आज उसे रोटी नहीं मिलेगी वक्त पर तो वो उसका एतिमाद खत्म हो जाएगा कि मेरी अम्मा आज तक झूठ बोलती है, अल्लाह नहीं देते, वो अम्मी रखती थी, उसके दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाएगी, प्यारे अल्लाह आज उसकी इज्जत की लाज रख ले, आज इज्जत की लाज रख लेना और मेरी इस मेहनत को जाया मत करना। वो माँ अंदर ही अंदर तड़प रही है, उधर बच्चा दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला ने ताकचे में रोटी भेज दी और घर में जैसे ही दरवाजा माँ ने खोला, बच्चा पुरसुकून माहौल में अपनी पढ़ाई कर रहा है। बेटे कुतुबुद्दीन खाना खाया, रोटी खाई? कहा हाँ अम्मा मैंने रोटी खाई। कहाँ से आई? कहा रोजाना का मेरा मामूल है कि मैं दो रकात पढ़ता हूँ, अपने प्यारे अल्लाह से मांगता हूँ, मेरे प्यारे अल्लाह ने मेरे लिए रोटी भेज दी थी, मैंने खा ली थी। कहा कैसी लगी रोटी? कहा अम्मा रोजाना की रोटी में और आज की रोटी में जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का फर्क था। पूछा बेटे पता है जमीन आसमान का फर्क क्यों था? इसलिए कि आज की रोटी जो आई है वो जन्नत से आई है। कैक के माना रोटी के आते हैं, इसीलिए उन्हें कुतुबुद्दीन का बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उन नेक माओं ने अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए, अल्लाह का वली बनाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी। किसी माँ ने दुआ की, अल्लाह ने उनके बेटे के चेहरे के ऊपर ऐसी खूबसूरती ला दी, उनके बेटे के चेहरे को देखते ही लोग ईमान कबूल करने वाले बन जाते थे। किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए जवानी से लेकर, बल्कि जब तक बच्चा, जब से बच्चा पेट में था उस वक्त से लेकर बूढ़ी हो गई तब तक, मरने तक सजदों में जाकर तहज्जुद के मौके पर अपने बच्चों के लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने 60-60, 70-70 लाख लोगों को तोबा करवाई उनके हाथों पर और 7 लाख लोगों को हिदायत दी, कलमे की दौलत से माला माल फरमाया। अल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये माओं की नेक तमन्नाओं के नतीजे हैं कि अल्लाह के वली मिलते हैं, अल्लाह के कुतुब अब्दाल मिला करते हैं। अपने औलाद की तरबियत सही करें, इन औलाद की बचपन से हम सही तरबियत करेंगे, ये हमारे आंखों की ठंडक और दिल का सुकून और करार बनेगी इंशाअल्लाह। वरना अगर उनकी तरबियत में कोई कमी कोताही रहती है और बचपन से लाड़ प्यार वाली जिंदगी देकर, लाड़ प्यार नहीं होता वो, हम जिसे लाड़ प्यार कहते हैं वो उसके लिए अजाब अजाब वाली जिंदगी हम बना देते हैं, वो आगे जाकर बड़ी खतरनाक जिंदगी होती है। बच्चा बचपन में मारता है तो वो अभी बच्चा है, मारेगा कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, ऐसा नहीं होता। उसको बचपन ही से तंबीह की जावे इन मौके पर कि अपने बड़ों के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए, अपने बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। हमारा बच्चा अपने बड़ों को किसी बात पर जवाब देता है तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा बच्चा तो ये बोलता है, मेरा बच्चा फला चीजें बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी चीज बयान कर दूं, वो आखिरी चीज ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आप माँ बहनों ने अभी तंजीमुल मुस्लिमीन उलमाए किराम की तरफ से जो जोड़ रखे गए, आप माँ बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर यानी अपना जोश ईमानी और गैरत इस्लामी दिखाई और हमियत ईमानी के जो जज्बात होते हैं वो बताए कि मुसलमान बिरादरी की औरतें
इस्लाम के लिए पीछे नहीं रह सकती, शरीयत और सुन्नत को जिंदा करने में वो कभी भी पीछे नहीं रह सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आप माँ बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वक्त पर पहुंची, पूरी पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसको अपने घरों में नाफिज करने की नीयतें बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयतों को कबूल फरमावे। जो चीजें रसूमात और खुराफात की बुनियाद पर नई नई चीजें वजूद में आ रही थी उसको उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज में सलीके के साथ आप माँ बहनों के सामने रखा कि शरीयत और दीन इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है, हमारा दीन हमें सादगी की तालीम देता है। सादगी के साथ सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे फिर वो मंगनी हो, चाहे फिर वो हमारे बच्चे की विलादत का मसला हो, चाहे शादियों के मसाइल हो, चाहे फिर रुखसती के मसाइल ही क्यों ना हो, तमाम के तमाम बिल्कुल सादगी के साथ इंशाअल्लाह होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें खैर डाल देगा, शुरूर व फितन से हिफाजत कर लेगा। आप माँ बहनों ने बहुत खूब हिस्सा लिया, अब आपसे ये गुजारिश है कि उलमाए किराम की इन बातों को आप दिल पर लीजिए, अपने घरों में उसको नाफिज कीजिए, अपने मोहल्लों के अंदर उसको चलाइए। देखो मस्तुरात से मस्तुरात में बात चलती है, माँ बहनें आपस में जमा हो, हमारे जमा होने का एक ही मंशा होना चाहिए कि बस हमारी बातों के जो तस्किरे होते हैं दुनियावी तस्किरों के बचाए हम दीनी तस्किरे करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन फिजा हमवार कर देगा और एक बेहतरीन माहौल और एक बेहतरीन मुआशरा हमें इस्लामी मुआशरा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा, उसमें आप माँ बहनों का हिस्सा रहेगा। इसलिए हम उलमाए किराम की तरफ से आप माँ बहनों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उन बयानात में शरीक हुई, इन बातों को दिल पर लिया और अपने घरों के अंदर अपने मर्दों का पूरा पूरा ताउन कीजिए। जब भी हम मर्दों के पास पहुंचते हैं किसी बातों को लेकर तो वो आप माँ बहनों का हवाला देते हैं। अब आपकी तरफ से ये बात होनी चाहिए कि ये मर्द नहीं मान रहे, हम तो चाह रहे हैं कि हम सादगी वाली शादियाँ करें, सादगी वाली शादियाँ हमारे घरों में होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी साहबजादी, लाडली साहबजादी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमतुज़्ज़हरा को रुख्सत किया था तो दो नसीहतें की थी, दो नसीहतें, मैं वो दो नसीहतें आपको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो दो नसीहतों में सबसे पहली बात यह थी कि बेटी अल्लाह से डरना, अपनी बेटी को रुख्सत करते वक्त बाप जो सारे जहानों का सरदार, सारी कायनात का सरदार, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का मकाम है तो वह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, और जिनकी उनकी बेटी जिन्हें जन्नत की औरतों का सरदार कहा गया है उसको जब रुख्सत किया जा रहा है तो एक तो रुख्सत घर की बांदी के साथ रुख्सत कर रहे हैं, कितनी सादगी ले आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को कितनी सादगी बतला दी, घर की बांदी के साथ, घर की एक नौकरानी के साथ रुख्सत कर दिया। और आपने ये बात फरमाई कि बेटी अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ बताया, अपने हर मामले के अंदर अल्लाह का खौफ रखना, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बना देगा। और दूसरा जो आपने जो दूसरी नसीहत फरमाई थी वो ये थी कि अली का ख्याल रखना, ये बात फरमाई थी आपने कि बेटी अल्लाह से डरना और अली का ख्याल रखना। हमारे यहाँ आमतौर से उल्टा हो जाता है कि बेटी किसी से डरना मत, कुछ भी हो जावे तो हम बैठे हैं, हमारा उल्टा हो जाता है। वहां बात सिखाई जा रही है कि अल्लाह से डरना, हम सिखा रहे हैं किसी से डरना मत, तो फिर वो बेटी बनी मामूली मामूली बातों में शिकायतें लेकर हमारे घर पहुंचती हैं और फिर थोड़ी थोड़े मसाइल में लंबे झगड़े पैदा हो जाते हैं, नफरतों का माहौल इतना खतरनाक आम हो जाता है कि खानदानों में तफरके और ना इतफाकियां नाचाकियां पैदा हो जाती है छोटी छोटी बातों के अंदर। इसलिए अपने घरों के अंदर जैसे पहले का हमारा मुआशरा था कि अपने घर से बच्चों को बेटी को रुख्सत किया जाता था तो बेटी को वो किताब पढ़ाकर भेजा जाता था, ऐसी तालीम दी जाती थी, किताब का मतलब ये है कि बच्ची को ऐसी तालीम दी जाती कि बेटा अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम्हारी बहनें तुम्हारी ननद हैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे देवर वगैरह हैं वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अब सिर्फ हम माँ बाप नहीं वो भी माँ बाप हैं, ऐसी किताब पढ़ाकर जाते थे, पढ़ाकर भेजा जाता था कि वो आने वाली बहू बहू बनकर नहीं आती थी, बेटी बनकर आती थी और ऐसे घर को सवार देती कि खुशनुमा माहौल बन जाता था घरों के अंदर। हमारे बच्चों को भी हमारे बेटों को भी हम इस किस्म की तालीम देवें कि अपने घरों के अंदर
अपने माँ बाप के हकूक के साथ साथ बीवी के हकूक भी होते हैं, उसको भी अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से औरत ने जब पूछा कि किसका हक है, तो आपने मर्द का हक बताया। जब मर्द ने पूछा किसका हक है, तो माँ का यानी औरत का हक बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तवाज़ुन बतलाया, इस्लामी मेयार बतलाया कि मेयार ये है कि एक औरत जब पूछ रही है तो उसे कहा शोहर का हक है तुम पर, और एक मर्द पूछ रहा है तो कहा माँ का हक है तुम पर। दोनों को एक सही तवाज़ुन दे दिया। ये इंसाफ का तकाजा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी बतलाई है, हमारी जिंदगियों के अंदर हम इस्लामी माहौल पे लावें, इस्लामी मुआशरा लावें, शरीयत और सुन्नत को जगा देवें, और सही मानों में जो शरीयत और सुन्नत है उसको अपनावें। इंशाअल्लाह अज़ीज एक बेहतरीन मुआशरा तैयार होगा। इस मुआशरे की जब तारीख लिखी जाएगी तो आप माँ बहनों के नाम भी सुनहरे अवराक पर लिखे जाएंगे। आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो आप माँ बहनों को याद करेगी कि फला मोहम्मदी मोहल्ले की औरतें, उन्होंने तय किया था कि माशाअल्लाह हमने हमारे उलमा की बात सुनी है और उन्होंने जो शरीयत और सुन्नत बतलाई है, जो रहबरी हमारी फरमाई है, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली नस्लें आप माँ बहनों को खसूसी तौर पर याद रखेगी, वरना अगर हमारे यहाँ से ही सुन्नतों के और शरीयत के जनाजे निकाले जाएंगे तो हमें अच्छे तौर पर याद नहीं किया जाएगा, बल्कि बुरे तस्करों के साथ हमारा जिक्र किया जाएगा। इसलिए आज यहाँ से उठें, अच्छे अजाइम के साथ उठें, अच्छे इरादों के साथ उठें, नेक तमन्नाओं के साथ उठें, नेक इरादों के साथ उठें। इंशाअल्लाह उम्मत को अल्लाह के वली और कुतुब अब्दाल मिलेंगे आप माँ बहनों से, वरना फिर उम्मत को सताने वाले, उम्मत को परेशान करने वाले लोग ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर। इसलिए अच्छे अजाइम के साथ रुखसत होइए, अपने घरों के अंदर शरीयत का निफाज करेंगे, सुन्नतों को ज़िंदगी में लाएंगे, बापर्दा बनेंगे, बाहया रहेंगे, शादियों से रसूमात और रवाजात को निकाल देंगे और एक बेहतरीन सादगी वाली ज़िंदगी अपनाएंगे। रब चाहे ज़िंदगी यहाँ गुजार के चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अपनी मन की ज़िंदगी अदा फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अदा फरमावे। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی رغبت پیدا فرما، نیکیوں کا کرنا آسان بنا، نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دے، گناہوں سے دور رہنا آسان بنا، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، شرور و فتن سے، تیری بغاوت سے، زمین میں فساد مچانے سے ہماری حفاظت فرما، تیری طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، محبوسین کی غیب سے رہائی کے فیصلے فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولادیں ہیں انہیں ان کے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون و قرار بنا۔ اے اللہ جو بے جور ہیں انہیں نیک صالح جور نصیب فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں ناگواریوں کی شکار ہیں انہیں خوشگواریاں نصیب فرما، ناگواریوں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے میں رہ گئے وہ بھی نصیب فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ پیارے آقا نے جتنی خیر مانگی ہم بھی مانگتے میں عطا فرما، جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے میں پناہ نصیب فرما، پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، پورے عالم کے اندر جتنے بھی تیرے مقدس مقامات ہیں یا اللہ، حرمین شریفین معظمین ہیں، بیت المقدس مسجد اقصا ہیں، اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت تبلیغ کے مراکز کی، دعوت کی نسبت پر چلنے والوں کی، اور اے اللہ جو جس شکل میں تیری نسبت پر جڑا ہوا ہے تو اسے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کو اپنی غیبی تائید نصیب فرما، ہر ایک کے ساتھ اپنی غیبی نصرت و مدد شامل حال فرما، اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الى طاعتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر للحاضرین، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اللہم واقعیتک واقعیۃ الولید، وصلی اللہ وسلم علی النبی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔